अभी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं सुमन जेटली स्वागत करती हां। कल बीते दिन बीजेपी अते कांग्रेस दे विच खूनी टकराव होया सी, सीटा चलियां सी, पत्थर चले सी, इत्थे तक कि डंडे एक दूजे दे मारे गए, एक दूसरे का विरोध किया गया। 2022 दीआं चोणां नेड़े ने, सियासत पक रही इसे विचाले सियासत दीआं कुछ तस्वीरां असीं तुहानूं दिखाईआं सी, एक बार फिर तो दिखाने आ कल दे टकराव दीआं इह तस्वीरां। कल दे इस टकराव नूं देख के क्योंकि बीजेपी दा दफ्तर घेरिया गया सी, बंद कराउण दी मंग कीती गई सी, महंगाई नूं लैके विरोध कीता गया सी, उत्थे ही बीजेपी दे ते कांग्रेस दे कुछ वर्कर जिहड़े ने उह जख्मी वी होए सी। उन्हां दस्सिआ बीजेपी दे वर्कर कह रहे ने कि कांग्रेस वालिआं ने साडे सिर ते इट्टां मारीआं ने, तां उत्थे ही दूजे पासे कांग्रेस दे लीडरां दा वर्करां दा इह कहिणा सी कि साडे वी इट्टां सोटियां जड़ियां ने मार के साढ़े ते हमला किया गया, उत्थे भारी पुलिस बल जड़ी तैनात की गई सी। 2022 तो पहला सियासत केड़ा रूप लै रही है तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा दिंदे आ। इस तों बाद पंजाब भाजपा के प्रधान अश्वनी शर्मा का बयान सामने आया सी, कांग्रेस नूं चेतावनी दिंदे हुए सुनाई दिते अश्वनी शर्मा की कह रहे ने पंजाब भाजपा के प्रधान अश्वनी शर्मा, तुहानूं सुणावांगे। पर उस तों पहलां एक बार फिर तो लाजमी ने लुधियाणा शहर दीआं तस्वीरां दिखाणियां। कल लुधियाणा शहर दे विच माहौल तणावपूर्ण रहा है, कल दीआं तस्वीरां घंटा घर दे नेड़े दीआं तस्वीरां दसियां जा रहीआं ने। भारी इकट्ठ, लोकां नूं वड्डी दिक्कत दा सामना करना पिआ आम लोकां नूं, क्योंकि जदों इह टकराव हो रिहा सी, जदों बीजेपी कांग्रेस दा ते कांग्रेस बीजेपी दा विरोध कर रही सी, उस वेले इट्टां चलियां ने, सट्टां लगियां ने। तां तुसीं इह तस्वीरां देखो किस तरह माहौल कल लुधियाणा शहर दे विच नाजुक रिहा, तणावपूर्ण रिहा, और पुलिस वालिआं दी जिहड़ी गिणती है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਜ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, नारेबाजी करें कोई ऐतराज नहीं है, पर कारण क्या? और वहां जाकर रेलवे की लाइन के जो पत्थर तीखे पड़े होते हैं उनको बैग में डाल के आना, सुनियोजित तरीके से पत्थर चलाना, और अपने ही कार्यकर्ता की आंख पूरी तरह से डैमेज हुई और चार आई है, इसका और टोटल 10 कार्यकर्ता हैं जिनको इंजर्ड हुए हैं। ये कैसा लोकतंत्र है पंजाब में? लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता, और इससे ये सिद्ध हुआ कि ये सरकार सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार से लिप्त है। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी इनके द्वारा जो भू माफिया चला है, मंत्री के संरक्षण में चला है, मुख्यमंत्री के संरक्षण में चला है, हमारी आवाज को इन पत्रों से बंद नहीं किया जा सकता। हमारा कार्यकर्ता इसके लिए लड़ेगा और पंजाब की जनता के सामने बेनकाब करेगा। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है अभी तक? ऐसा कि अभी मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारा वो सारे उनसे उनके मेरा उनको आपके माध्यम से ये कहना है, कितनी देर मूक दर्शक बने रहोगे? पंजाब के अंदर कानून का राज चलेगा या नहीं चलेगा? और ये महानगर है, यहाँ पर अगर हमारे कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं मिला तो शुरू होगा इंसाफ लेने के लिए और भ्रष्टाचारियों को